हाँ राजीव, आपने बुलाया? डॉली एक बात बताओ, मैं बनारस से आया हूँ आज ऑफिस टूर से, अब उसे ये नहीं पूछोगी कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? अरे राजीव, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मुझे पता है आप कहीं भी जाते हो हम सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हो। चलो अब जल्दी से बता दो क्या लेके आए हो इस बारी बनारस से। क्यों अब सबर नहीं हो रहा? आप भी ना डॉली कम नहीं हो, ये देखो मैं आपके लिए बनारस से बनारसी साड़ी लेके आया हूँ। अरे वाह राजीव, बनारसी साड़ी और वो भी मेरा फेवरेट कलर। थैंक यू राजीव, आपको मेरी चॉइस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बहुत प्यारी साड़ी है। चलो ये बात तो ठीक है, ये बताओ मम्मी जी के लिए क्या लेके आए हो? मम्मी के लिए? डॉली मम्मी के लिए मैं कुछ भी नहीं ला पाया, मम्मी के लिए मैं साड़ी ढूंढ तो रहा था लेकिन मुझे कोई कलर ही पसंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगली दुकान से लूंगा, लेकिन डॉली मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, अगर मम्मी की साड़ी में लगा रहता ना तो मेरी ट्रेन छूट जाती, इसलिए डॉली मैं कुछ नहीं लेके आया। राजीव आपकी सारी बात ठीक है, मैं तो आपकी बात को समझती हूँ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुँह से मम्मी जी को अपनी ये साड़ी दिखाऊँ, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो मम्मी जी और मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हो, ये ना हो कि छोटी सी बात के पीछे मम्मी जी के मन में कोई बात आ जाए। डॉली अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, मैंने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं है, मैं तो दोनों के लिए साड़ी ला रहा था। चलो छोड़ो डॉली, अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं राजीव, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं नहीं चाहती छोटी सी चीज़ के पीछे घर में मन मुटाव हो जाए। मैं ऐसा करती हूँ, ये साड़ी ना मम्मी जी को दे देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि ये साड़ी राजीव आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है डॉली, वैसे ये तो आपका बड़प्पन है, अब आपको जैसे ठीक लगे अब वैसे करो। चलो ठीक है राजीव, ये साड़ी हम मम्मी जी को दे देते हैं, और हाँ ये साड़ी ना आप अपने हाथों से मम्मी जी को देना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं जल्दी से साड़ी को दोबारा से वैसे ही पैक कर देती हूँ। ये क्या, बहू अपनी साड़ी मुझे दे रही है? ये लो राजीव, ये साड़ी मम्मी जी को अपने हाथ से दे देना। सॉरी मम्मी जी आ गए। मम्मी जी ये लो साड़ी, मैं बनारस गया था ना ऑफिस ट्रिप पे तो वहीं से आपके लिए लेके आया हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। एक बात बता बेटा, बहू के लिए क्या ले आया तू? मम्मी डॉली के लिए, डॉली के लिए मम्मी मैं सूट लेके आया हूँ, डॉली ने अलमारी में रख दिया है। अच्छा बेटा, तो बहू के लिए सूट लेके आया? बहू मुझे सूट दिखाना कैसा है। मम्मी जी सूट? वो क्या है ना राजीव, जो मेरे लिए सूट लेके आए थे ना मैंने अलमारी के अंदर रख दिया था, पर अलमारी की ना चाबी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ, जब चाबी मिलेगी ना मैं आपको दिखा दूंगी। बहू झूठ के सर पैर नहीं होते हैं, मैंने तुम लोगों की सारी बात सुन ली, ये साड़ी राजीव मेरे लिए नहीं लाया, तेरे लिए लाया, लेकिन बहू तुम दोनों मेरे से झूठ के बोल रहे थे। मम्मी अब आपने हमारी सारी बातें सुन ली हैं तो मैं अब आपको सच सच बता देता हूँ, मैं आप दोनों के लिए साड़ियाँ देख रहा था, लेकिन मम्मी मुझे आपके लिए साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, फिर मैंने मम्मी सोचा कि दूसरी दुकान से ले लूँगा, लेकिन मम्मी दूसरी दुकान पर जाने लगा तो इतने मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था, मम्मी अगर आपकी साड़ी लेता ना तो मेरी ट्रेन छूट जाती, इसलिए मम्मी मैंने आपके लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन मम्मी जब मैंने डॉली को साड़ी दी ना तो डॉली मुझे कहती कि मुझे मत दो, मम्मी जी को दे देना, बाकी मम्मी आप डॉली से बात कर लो। बहू मुझे अच्छे से पता है इतना दिमाग ना ये नहीं लगा सकता, अब ये बता तूने ऐसा किया क्यों? मम्मी जी मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आपके मन में कोई बात आ जाए कि ये मेरे लिए साड़ी ले आए हैं आपके लिए कुछ नहीं लाए। बहू भला मैं ऐसा क्यों सोचने लग जाती, राजू बेटा तो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आता ही है ना, इस बार नहीं लाया तो क्या हुआ, क्यों राजू बेटा सही कह रही हो ना? हाँ मम्मी वैसे बात तो आपकी ठीक है, पता नहीं डॉली ने ऐसा क्यों किया, खुद भी झूठी बनी और मम्मी आपके सामने मुझे भी झूठा बनवा दिया। राजीव किसी की खुशी के लिए अगर हमें झूठ भी बोलना पड़े उस झूठ को झूठ नहीं कहते हैं, और इसका कारण एक दूसरा भी था, मम्मी जी ने मुझ में और रेनू में कभी भी फर्क नहीं किया तो मैं क्यों फर्क करूँ? हाँ बहू ये बात सच है, तुझ में और रेनू में मैंने कभी फर्क नहीं किया, अब भगवान की दया से मुझे बहू बहुत अच्छी मिली। वैसे तुम दोनों सास बहुओं पे सीरियल बनना चाहिए। अब मम्मी जी मुझे ये बता दो ये साड़ी किसकी है, आपकी है या डॉली की है? ये साड़ी राजीव ना मेरी है ना मम्मी जी की है, ये साड़ी हम दोनों की है।